हाई एवरी वन सो नाउ वील डिस्कस अबाउट फाइलम प्लेटी हेलमेंथस प्लेटी हेलमेंथस को फ्लैट वर्म कहा जाता है प्लेटी एक ग्रीक वर्ड है ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है फ्लैट एंड हेलमेंथस मीन्स वर्म सो इस ग्रुप के सारे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो फ्लैट बॉडीड होते हैं दैट्स वाई इस एंटायर ग्रुप को प्लेटी हेलमेंथस कहा जाता है जनरल कैरेक्टर इस ग्रुप के क्या हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो हैबिटेट है ये फ्री लिविंग है एक्वेटिक हैंक्वेटिक ये मरीन हो सकते हैं एंड फ्रेश वाटर साथ ही साथ ये पैरासाइट होते हैं एंड मोस्टली एंडो पैरासाइट होते हैं होप यू नो पैरासाइट का मतलब है द ऑर्गेनिज्म विच लिव ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव इट्स फूड मटेरियल एंड इन रिटर्न वो उनको हार्म करते हैं तो उसको पैरासाइट कहते हैं पैरासाइट दो टाइप के होते हैं एक्टो एंड एंडो पैरासाइट अगर ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म के या होस्ट के सरफेस पे है बॉडी सरफेस पे तो उसको एक्टोपैरासाइट कहते हैं अगर वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो उसको एंडोपैरासाइट कहा जाता है प्लेटी हेलमथिस ग्रुप के मेंबर्स मोस्टली एंडोपैरासिटिक होते हैं इनमें ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है ये ट्रिप्लो होते हैं दैट मीन्स ऑल द थ्री जर्म लेयर्स आर प्रजेंट इन दैम एंड ए सिलोमेटिक होते हैं इनमें सिलोमेटिक कैविटी या सिलोम प्रेजेंट नहीं होता है इनकी बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होती है डॉर्सल मीन्स अपर एंड वेंट्रल मीन्स लोअर दोनों साइड ये फ्लैट होते हैं एंड इनकी सिमेट्री बायोलेट्रल सिमेट्री होती है ये बाइलेट्रल सिमेट्री प्राइमरी बाइलेट्रल सिमेट्री है बिकॉज ये फर्स्ट ग्रुप है जिसमें बाइलेट्रल सिमेट्री स्टार्ट होती है बायोलेट्रल सिमेट्री पाई जाती है इसके बाद आने वाले सभी फाइलम्स में होंगी बट अब तक का ये अपने आप में पहला ग्रुप है जिसमें बायोलेट्रल सिमेट्री है एज ये पैरासाइट्स होते हैं और पैरासाइट्स होस्ट से डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं सो दैट्स वाई इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री केनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है इनमें माउथ ओपनिंग तो होती है बट एनल ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती है एंड कुछ स्पीशीज में गट अपसेंट होता है एक्सक्रेशन के लिए इनमें प्रोटोन या फ्लेम सेल प्रेजेंट होती है जो हेल्प करती है इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल एज वेल एज़ ऑस्मो रेगुलेशन ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है ये इनके सॉल्ट एंड वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है बाय ऑस्मोसिस एज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंडोपैरासाइड होते हैं सो so इन में शक्र्स हुक प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं अटैचमेंट में टू द होस्ट बॉडी एंड देन होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स या फूड को एब्जॉर्ब करते हैं इनमें रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी एंड स्केलेटल सिस्टम कम्प्लीटली अपसेंट होता है देर इज नो सच सिस्टम प्रजेंट इन दैम नर्वस सिस्टम वेल well डेवलप होता है विद अ पेयर ऑफ एंटीरियर सेरेब्रल गेंग्लिया एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड इनमें प्रेजेंट होती है सेंस ऑर्गन सिंपल होते हैं एंड आई स्पॉट इनमें प्रेजेंट होती है एंड ये आई स्पॉट कई स्पेशीज में प्रेजेंट नहीं होती है ये फर्स्ट ग्रुप है जिसमें आई स्पॉट प्रेजेंट होती है लाइक like प्लेनेरिया में छोटे डॉट्स देखे होंगे वो दा, वो आई स्पॉट हैं इसके पहले ग्रुप्स में आई स्पॉट नहीं प्रेजेंट थी मोस्टली हर्मोफ्रोडाइट होते हैं दे मे बी बाई सेक्शुअल और मोनोशियस इनमें कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है विथ वेल एंड डेवलप गोनाड सेल इनमें गोनाड्स का डेवलपमेंट होता है स्पम्प्स बाईफ्लैजलेटेड होते हैं फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट है एंड दैट इज़ फ्री लिविंग फॉर्म कुछ स्पीशीज में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है विथ मेनी लार्वल स्टेजेस दैट मीन्स द शो कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन लाइफ साइकिल मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्प्लिकेटेड होती है बिकॉज ये कई होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं दैट्स वॉइन की लाइफ साइकिल को कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल भी कहा जाता है दिस इज़ द फर्स्ट ग्रुप विच शो सिफेलाइजेशन सिफिलाईजेशन का मतलब है डिफ्रेंशिएशन ऑफ हेड सो इस ग्रुप से हेड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है सो दैट्स दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट ग्रुप टू इनहेबिट द सिफिलाइजेशन इसके पहले किसी ग्रुप में सिफिलाइजेशन नहीं था फ्लैटफॉर्म से ही सिफिलाइजेशन स्टार्ट होता है मोस्टली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है बट कुछ स्पेसीज में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होता है लाइक बाइनरी फिशन एंड प्लेनेरिया एंड फ्रेगमेंटेशन प्लेनेरिया में हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन होती है दैट मीन्स अगर उनका कोई भी बॉडी पार्ट डिवाइड हो जाए या कट हो जाए बाई चांस दे हैव द कैपेसिटी टू फॉर्म अ कम्प्लीट बॉडी दैट्स कॉल्ड रीजनरेशन फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस ग्रुप इज टीनिया सोलियम फैशियोला हिपैटिका सोलियम को कॉमनली टेप फॉर्म कहा जाता है टेप फॉर्म दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है पहला होस्ट है ह्यूमन एंड दूसरा है पिग और कैटल तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फॉल हम डिस्कस करेंगे टिल देन रिवाइज